अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज लंच टाइमिंग से। और अभी मैं लंच तैयार करूँगी। आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद गोश्त, मतलब वाइट गोश्त, और मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ पपाया हम लोगों के लिए लंच में, और मैं थोड़ी सी फ्रूट चाट भी बनाऊँगी आज भी, क्योंकि फ्रूट ऐसे ही ख़त्म होगा। और अगर मौका लगा तो कस्टर्ड बनाऊँगी आप लोगों के साथ, रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। हाँ, मैं कट कर रही हूँ पपाया। सो मैंने इस तरीके से कुछ कट कर लिया है और मैं इसको कट कर थोड़ा सा खाऊंगी भी, एंड बाकी की मैं चाट बनाऊंगी। और आज मैंने इनको बोल दिया है मुझे लाकर दीजिए आप कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि मेरा ना स्ट्रॉबेरी है मुझे वो पसंद नहीं है, है मेरे पास रखा हुआ, और बटर स्कॉच भी मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं, तो मैं वनीला ही बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो वनीला पाउडर मैंने बोल दिया है, और मिल्क तो है बट फिर भी मैं इसके लिए एक्स्ट्रा अलग से मंगाऊँगी, और क्रीम भी रखी है। तो मैं सारी चीज़ें सोच रही हूँ कि बनाकर और आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर दूँ, आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रहेगी और मुझे ही मज़ा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको कट करना। तो दिया मैंने कट कर लिया है पपाया, बनाना एंड एप्पल, और साथ में ये बना दिया थोड़ा सा मदर लॉ के लिए बोल, एंड ये अहमद के लिए बना दिया द हस्बैंड के लिए अपने, और उनको ना देना पड़ता है, वो खुद से नहीं लेते, उनको देना पड़ता है कि खा लो। तो इस तरीके से मैंने तीन बोल तैयार कर लिए हैं, ये लंच के बाद हम लोग खाएंगे। मैं भी इसको चाट में कन्वर्ट कर दूँगी, इस पर लेमन एंड चाट मसाला और शुगर मैं ऐड करके इसको रख दूँगी। तो चलो फिर अब मैं स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना, क्योंकि बहुत लेट हो गया। तो जी ये हो गया है रेडी, और मैंने इसके अंदर चाट मसाला 2 टेबल स्पून 3 to 4 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड किया है, एंड 2 लेमन्स उसका जूस। ठीक है गाइस, तो अभी हम चलते हैं। तो ये जस्ट अभी मैंने खोला है एंड बड़ा जूसी सा है, अब मैं ये लेके जा रही हूँ प्लेट बदलाव के पास, हम लोग बैठ के खाएंगे। तो जी ऐसे ना 1 लीटर का ये पैकेट ले आते हैं उसका ऑयल का, और मैं ऐसे कंटेन कर लेती हूँ, 1 लीटर का ही बॉक्स है ये, तो ईजी रहता है। तो आज तो ये पता नहीं कौन सा धारा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल लेकर आए हैं, मोस्टली फॉर्च्यून, इमामी, ये सब चलते रहता है मेरे यहाँ। तो बस यहाँ पे मैंने चला दिया है प्रेशर कुकर, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ वाइट स्टू की तैयारी। तो चलो दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल अच्छी क्वांटिटी में लेना है इसमें वाइट स्टू में, क्योंकि ऑयल की ही मतलब ऑयल और मीट जो होता है उसकी क्वांटिटी अच्छी लेनी होती है। तो यहाँ मैंने ले लिया ऑयल, आप देख सकते हो 1 कप ऑफ ऑयल मैंने ले लिया है इसमें, ये थोड़ा सा ना यू नो नीचे तक है तो दिखता नहीं है इतने अच्छे से। चलो अब इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, और मैं क्या ले रही हूँ मैं आपको दिखा। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाले ले लिए हैं खड़े मसाले, इसमें मैंने ग्रीन इलायची ली, आप देख सकते हो, एक काली वाली इलायची ली है, दालचीनी एंड जायफल, जावित्री और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्ची, एंड अभी लूँगी एक तेज़पत्ता, और बस इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और यहाँ के तेज़पत्ता इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जायफल भी, तो ये ऐड कर दिया है। अब बस इसको हम इसमें हम मीट ऐड कर देंगे, पहले हम अनियंस को अच्छे से लाइक ट्रांसफर मतलब थोड़ा सा यू नो कुक करेंगे, एंड देन हम ऐड करेंगे रिमेनिंग। यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ, आप देख सकते हो क्वांटिटी, जितनी अच्छी क्वांटिटी लेते हैं आप रेसिपी में और जितना अच्छा मतलब इसकी रॉ स्मेल निकालते हैं, उतना अच्छा डिश जो है वो टर्न आउट होता है। तो आप देख सकते हो मैं ले रही हूँ 400 ग्राम्स मीट, उसमें मैं ये बना रही हूँ वाइट। चलो अभी हम जब तक कि रॉ स्मेल नहीं ख़त्म हो गया हम इसको थोड़ा सा ना कुक करेंगे। टमाटोज, ये अनियन, ये यहाँ पर मैंने ले ली ग्रीन चिलीज, और ये 400 ग्राम्स मीट है, तो ये हम इसमें ऐड करें। तो इसकी बहुत अच्छा आराम आ रहा है इसका गाइस, अब हम इसमें ना ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज, सॉरी टमाटो, मैं ऐड करके दिखाती हूँ। जो अनियंस हैं ये 1/2 kg लिए हैं मैंने 400 ग्राम्स मीट में, 400 ग्राम्स मीट में मैंने मतलब 1/2 kg अनियंस लिया है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से ना कुक करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। ओके, बहुत डिलीशियस बनता है, ट्राई ज़रूर करना एक बार मेरी रेसिपी। तो यहाँ पर जी मैंने लिए हैं कम से कम बिग साइज़ के 4 टमाटोज एंड काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज, सब मैंने इसको ऐड कर दिया, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मीट। ये सब एक साथ ही कुक होता है तभी इसका मज़ा आता है गाइस, आप देख सकते हो। मैं फिर थोड़ा सा सॉल्ट और सॉल्ट सॉरी सॉल्ट ऐड, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है मीट, और अब मैं इन सबको आपस में मिक्स कर रही हूँ, और अब हम इसको छोड़ देंगे अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स के लिए। मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे ही कुक करूँगी, एंड देन मैं इसमें विसल्स लूँगी। ठीक है, तो बस हर चीज़ की क्वांटिटी अच्छी रखनी है तभी ये डिलीशियस बनता है।
यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो चिली पाउडर ऐड कर दिया है, येलो चिली पाउडर। हालांकि इसमें पाउडर मसाले नहीं जाते हैं, सिर्फ खड़े मसाले जाते हैं, बट थोड़ा सा यू नो कलर के लिए मैंने थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन चिलीज अच्छी क्वालिटी में गई हैं, तो ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पर कुक हो रहा है, जैसे कुक होने के लिए छोड़ दें। यहाँ मैंने हल्का सा थोड़ा सा ना हाफ ग्लास ऑफ वाटर ऐड किया है, क्योंकि मुझे इसको विसल भी लेनी है टेंडर करने के लिए मीट को, ठीक है। तो बस जी, यहाँ पर विसल मैंने अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 विसल्स लिए हैं मीट को टेंडर करने के लिए, और अब मैं यहाँ रोटी बनाने जा रही हूँ। अब बस ये कर्ड मैंने बीट कर लिया, बीट कर कर ही इसको ऐड करना है। अब जब ये खुलेगा तब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ बन रही हैं गर्मा गर्म रोटी, लाइट चली गई है बट आप देख सकते हो यहाँ पे ऑयल आ गया है 6 विसल्स के बाद, और अब मैं इसमें थोड़ी देर बाद मतलब 5 मिनट्स के बाद मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। इधर बन रही है रोटी। आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे भी इसको आप मतलब ऐसे भी रोटी या चपाती के साथ आप लोग खा सकते हो, बहुत डिलीशियस लगता है। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर्ड ऐड कर रही हूँ बीटन हुआ हुआ, तो इससे भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आप लोग इस स्टेज पर भी इसको खा सकते हैं। यहाँ मैंने ऐड कर दिया कर्ड, अब हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे और फ्लेम कर देंगे ऑन, और थोड़ा सा ना जब तक इसका ये पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाएगा कर्ड का, थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। ओके, मीट वगैरह सब टेंडर हो चुका है, सब डन है, बस रोटी भी बन चुकी है, अब बस हम लोग लंच करेंगे। तो चलो मैं इसकी फाइनल स्टेज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो ऑल डन, अब मैं लंच लगाने जा रही हूँ, लाइट चली गई है, तो बस ये भी देखो ऑलमोस्ट डन है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आप, ऑयल सेपरेट हो गया है, इट्स डन नाउ। तो बस अब हम लोग लंच इंजॉय करेंगे एंड देन। तो जी ये है इसकी फाइनल लुक, ठीक है जी। तो अब हम लोग लंच करने जा रहे हैं। खाना हो चुका है माशाल्लाह, सबको बहुत पसंद आया वाइट स्टू जो मैंने बनाया है। एंड अब टाइम हो गया था नमाज का, क्योंकि आज मेरी जहर बहुत लेट हो गई और मेरा दिल इतना अजीब सा हो रहा था। खाना तो खा लिया था क्योंकि इनको जाना था अपने काम से, तो फिर मुझे जल्दी खाना खिलाना पड़ा, तो इसीलिए। पर मेरी नमाज मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, पर अल्लाह का शुक्र है, जिसको अल्लाह चाहे उसको अपने सामने ज़रूर झुकाता है, और जिसको नहीं चाहे उसके लिए 1000 बहाने हो जाते हैं। तो खैर अल्लाह का अलग अलग शुक्र है कि मैं जल्दी से फ्रेशन अप हुई और जल्दी से अपनी नमाज अदा कर ली है मैंने माशाल्लाह जहर की, और अब मैं अपनी तलावत करने जा रही हूँ कुरान शरीफ़ की, क्योंकि रोज़ कुरान खोलने से भी अल्लाह घर में रोज़ी देता है, बरकत देता है। तो आप लोग भी ज़रूर 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 रोज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान शरीफ़ की तलावत ज़रूर करें, अपना रोज़ सिफारा भी पढ़ें, और साथ में जो सूरत होती है सूरत यासीन, सूरत मंजिल सब अदा करें, और अपने घर में चारों कोनों में फूकें, जिससे कि अल्लाह आपके घर में रहमत और बरकतें नाजिल करें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे घर पर भी अल्लाह की बहुत रहमत और बहुत बरकत है माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो अब मैं जा रही हूँ अपना कुरान पढ़ने, और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखना, मैं भी अपनी नमाज़ पढ़कर फिर आप लोगों से मिलती हूँ।